देखो किसानों का अगर आंदोलन होगा तो ये किसान बचेगा। सरकारें किसानों को बर्बाद करना चाहती है, मजदूरों को बर्बाद करना चाहती है, उस पर लगी हुई है इनकी जमीन हड़पना चाहती है। ये सारा काम सरकारें कर रही है, फ्री में जमीन चाहिए। आंदोलन और संघर्ष नहीं होगा, ये जमीनें जाएंगी किसानों की। सारा देश की प्रॉपर्टी कुछ ही हाथों में बेचना चाहती है। बेरोजगारी की बड़ी समस्या यहाँ पे है, ये सारी समस्या है। महिलाओं का लगा लो या नौकरी पैसे वालों का लगा लो, महंगाई ये देखोगे कहाँ का कहाँ है, ये हालात है। झूठ कह रही है सरकार, बोलती है झूठ बोलती है। फिजिकल उनका कुछ नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट पे कोई वो नहीं है उनका कुछ। दान पता लाठी बज रही, हरियाणा में लेकर जाल लग रहे, कहीं खरीद नहीं होती, सब झूठ बोलते हैं। एमएसपी गारंटी कानून दे, उस पर खरीद की गारंटी दे, वो कुछ नहीं है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट नहीं है, ये झूठ बोलते हैं सब। बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होता है, अब तक ये सरकारें कहाँ थी वो हमको भी बता दें। और फिर बैन कर दो ना, अगर धान पे बैन ही करना है बैन कर दो, खाने की व्यवस्था को जोर कर दो आप लगाओ ना। अफीम की खेती की तरह है, आप धान पे भी बैन लगाओ, पता तो जब बीच लगा जब एक साल बाहर से खरीदना पड़ेगा। नहीं हम नहीं गए, हम नहीं गए, बेईमान्य से सब जीतेंगे, चिंता कुछ ना करो, सब बेईमान्य से सारा काम होगा। अगला टारगेट प्रेस का भी है, अपनी जितने दिन जान बचानी बचा लो, अगला टारगेट प्रेस है। बेईमानी जब होगी तो कोई असर नहीं पड़े, इन्हीं का इलेक्शन कमीशन है, इन्हीं की कोर्ट कचहरी है, इन्हीं के ही अधिकारी है, सब सब इन्हीं के ही है। सब बेईमानी से, सब बेईमानी से होगा। जब पूरी प्रदेश सरकार बेईमानी से बनी है तो ये भी बढ़ेगा, यही जीतेंगे बेईमानी से, जीतेंगे जीतेंगे बेईमानी से। जनता वोट नहीं दे रही लेकिन बेईमानी करेंगे, यही जीतेंगे। उसमें देखो कुछ, क्योंकि गांव के लोग लाठी लेकर तैयार रहेंगे,